लगता है कि राहुल गांधी जी का बचपना है, राहुल गांधी जी एक पार्टी के सीनियर नेता है और अभी अभी मतलब उनका इसी उल्टी सीधी बातों से उसका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, उसको 2 साल की सजा भी हुई थी। अभी वो अगर संसद में आए हैं तो उन्होंने सही बात करनी चाहिए। उन्होंने जब भाषण दे दिया तो भाषण में भी मतलब भारत की हत्या की है, भारत की हत्या हुई है, इसी तरह का बयान बहुत बड़ा आपत्तिजनक उन्होंने किया था। और भाषण खत्म होने के बाद जब जाने लगे तब इधर हमारे महिलाओं की तरफ देखकर उन्होंने फ्लाइंग किस किया, ये बहुत बड़ी आपत्तिजनक उन्होंने एक्टिविटी की है। इसलिए राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए, इसी तरह का बयान देना ठीक नहीं है। आपको लोकतंत्र में अपनी भूमिका रखने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मणिपुर में लगातार हम बोल रहे हैं कि पहले दिन से बोल रहे हैं कि भाई चर्चा होनी चाहिए, नियम कौन सा भी हो, लेकिन उस नियम के अंतर्गत, कोई भी नियम के अंतर्गत चर्चा के लिए अपोजिशन ने तैयार होना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन जानबूझकर मणिपुर की चर्चा टालना चाहता है, रोज हंगामा करना चाहता है, कामकाज में रोक लगाने का प्रयत्न करता है और इसी तरह मुझे लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है। और आज का राहुल गांधी जी का जो बयान था ये बहुत बड़ा आपत्तिजनक था, उनका फ्लाइंग केस का जो मतलब जो एक्टिविटी थी ये भी बहुत बड़ी आपत्तिजनक थी। और बीजेपी के महिलाओं ने मतलब कंप्लेंट भी की है, तो मुझे लगता है कि इसका हम विरोध करते राहुल गांधी जी के बयान का और उन्होंने जो फ्लाइंग किस किया है इसका भी हम निषेध करते हैं और राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए, ये हमारी इसमें मांग है। जी, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि प्रधान 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझ सकती है लेकिन प्रधानमंत्री ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जाने का विषय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आमिर भाई 3 बार वहां जाकर आए है, आमिर भाई ने यहाँ ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई है, हमारे नित्यानंद राय जो स्टेट होम मिनिस्टर है वो लगातार 8-10 बार वहां जाकर आए है और भारत सरकार ने वहां शांतता प्रस्तावित करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी दो कम्युनिटी में रोज संघर्ष चल रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों कम्युनिटी को हमारा आह्वान है कि भाई वहां शांति रखनी चाहिए, हिंसा जो हो रही अच्छी बात नहीं है और हम मणिपुर में शांति चाहते हैं और हम विरोधी दलों से सुझाव लेना चाहते थे कि और भी इसमें क्या करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मणिपुर पर हम चर्चा भी चाहते हैं, मणिपुर में शांतता चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने जाना चाहिए, इसी तरह का आग्रह करना ठीक नहीं, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि जाकर आए हैं और उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन भी वहां दे दिया है और 35,000 जो मतलब सिक्योरिटी फोर्स है वो भी मतलब वहां पर भेजा है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार से जो कोशिश करनी हो सरकार से कोशिश की है तो वहाँ राहुल गांधी का बयान इतना सही नहीं कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री जाकर आएगी तो एकदम शांति हो जाएगी। हाँ, तो आज लोकसभा मध्ये राहुल गांधी ना मेंबरशिप जी आहे लोकसभेची ती बहाल झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच त्या हाऊसमध्ये अविश्वास ठरावावरती बोलत असताना त्यांनी आपत्तिजनक अशा पद्धतीने स्टेटमेंट केलेलं आहे आणि मणिपूरमध्ये भारताची हत्या करण्यात आलेली आहे केलेली आहे अशा पद्धतीचं आपत्तिजनक त्यांनी स्टेटमेंट केलेलं आहे, त्या स्टेटमेंटचा आम्ही निषेध करतो। त्याचबरोबर त्यांनी भाषण संपल्यानंतर उठून जात असताना त्यांनी इकडे आमच्या महिलांकडे बघून त्यांनी फ्लाइंग किस केलेलं आहे आणि त्याची तक्रार बीजेपीच्या महिलांनी केलेली आहे, त्यामुळे राहुल गांधीचा जो अटिट्यूड आहे तो अत्यंत भयंकर आहे, अत्यंत चुकीचा आहे आणि त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीजचा आम्ही पूर्णपणे तीव्र विरोध करतो आहोत आणि राहुल गांधींनी अशा पद्धतीची भूमिका मांडणं, अशा पद्धतीची ऍक्टिव्हिटी करणं हे अत्यंत अयोग्य आहे आणि त्यांनी माफी मागितली पाहिजे, त्यांना समज दिली पाहिजे। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।